हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये पूरी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत इजी है, थ्योरी है, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते हुए जाना है। और जो मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं इनको आपको रनिंग नोट बनाते रहने हैं इनके, और साथ में इसके साथ अपनी जो भी आप बुक को फॉलो कर रहे हैं वो बुक पढ़नी है। और जिन बच्चों को मैंने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं और वो अपने नोट्स भी देखते रहें, और बहुत इजी है। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे तो बहुत बहुत इजी लगेगा आपको, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी, या इंडियन इकोनॉमी उस टाइम कैसी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज इंडिया में पहले आए थे और उन्होंने पहले एक व्यापार किया इंडिया में और धीरे धीरे उन्होंने फिर इंडिया में राज किया। तो उस टाइम जब इंडिया उनसे इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम ये इंडिया की जो इकोनॉमी थी और वो कैसी थी उसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन। कॉलोनियल का मतलब है अंग्रेजों से है कि वो अंग्रेजों को कॉलोनियल कहा जाता था। उनका एक्सप्लोइटेशन का मतलब है कि उन्होंने शोषण कैसे किया। कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पहला है हमारा। कॉलोनियल ने एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे एक्सप्लोइटेशन किया। दूसरा है एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री का कैसे एक्सप्लोइटेशन किया। और तीसरा है एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, इंटरनेशनल ट्रेड था, उसका शोषण कैसे किया, उसका एक्सप्लोइटेशन कैसे किया। ये तीन चीजें अभी इसमें एक्सप्लोइटेशन में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैसे बर्बाद किया, उसके लिए उन्होंने क्या एक जमींदारी सिस्टम चलाया। जो जमींदार था वो लैंड का या सॉइल का ओनर माना जाता था, होता था, और उसके लिए जो रिवेन्यू सिस्टम उन्होंने लागू किया इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो एक फिक्स्ड सम किसको देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। फिक्स्ड सम का मतलब कि जमींदार से एक फिक्स होता था, तय होता था कि उसे कितना जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को जमा करना है। लेकिन जो तीसरा था टीलर, टीलर का मतलब खेती करने वाला फार्मर, जिसकी अपनी जमीन होती नहीं थी, सारा काम तो वही करता था, एक फार्मर का वर्क सारा वही करता था, लेकिन वो क्या करता था, उसका अपना कुछ नहीं होता था। वो जो भी प्रोडक्शन करता था वो किसको देता था, जमींदार को देता था। अपने पास वो नाम मात्र का अपने जीवन जीने के लिए इतना ही रख पाता था। तो जो जमींदार था वो फ्री टू एक्सट्रैक्ट, फ्री टू एक्सट्रैक्ट का मतलब है वो फ्री था, स्वतंत्र था कि कितना भी उसको उसका शोषण, मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब निचोड़ ले, कहने का मतलब ले ले किससे, टीलर से, जितना भी हो सकता है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वो उस फार्मर से जो उसकी उसकी जमीन को में खेती कर रहा है उससे वो लेने के लिए फ्री था, उसमें कोई बाउंडेशन उसको नहीं थी। तो ये कंडीशन इस तरह से। अब होता क्या था कि जब जमींदार जो थे वो इन कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करते थे, किसी तरह का
कोई खेती में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, किसी तरह का फर्टिलाइजर या सीड्स के लिए किसी तरह का खर्च नहीं करते थे, और फार्मर के पास कुछ बच नहीं जाता था कि जो उसमें लगा दे, तो उससे जो एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती चली गई थी, और जो जमींदार थे वो अपना जो भी पैसा है वो रेवेन्यू देने के बाद जो भी उनके पास बचता था उसे अपनी लग्जरी लाइफ जीने में लगाते थे, और जो टीलर था, जो फार्मर था, वो केवल अपना जीवन जी पाता था उससे मात्र। तो ये कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लोइटेशन किया इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का। दूसरा है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया उसमें, देखिए उस टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम हमारे देश का हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बनी हुई चीजें, हथकरघा उद्योग कह सकते हैं आप, तो ये बहुत आगे पहुंच चुका था, इसका पूरे वर्ल्ड में फेमस था, इनकी चीजें बहुत पसंद की जाती थी अलग अलग देशों में, तो ये बहुत ज्यादा फेमस था, तो इन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब समाप्त कर दिया। हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे टू हैवी ड्यूटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि हैवी ड्यूटीज लगा दी, जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए, ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा दी, जिससे कि इंडिया से जो विदेशों में जा रहा है हैंडीक्राफ्ट का सामान वो जा ही ना पाए, इतना टैक्स उसे जमा करना पड़े गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे कि उन्हें कोई फायदा ही ना हो और वो उसे भेजेंगे। तो इस तरह से इन्होंने उसको बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट्स पर। दूसरी बात, ये तो एक्सपोर्ट खत्म कर दिया इन्होंने इस तरह से, और दूसरी बात, डोमेस्टिक डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स। और जो ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स था, जो मशीन मेड गुड्स था, जो ब्रिटेन से आता था इंडिया में, उसके लिए उन्हें इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो ड्यूटी फ्री हो गया, वो फ्री इंडिया में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उन्हीं का था और उन्हें इंडिया में उसे सेल करना था, तो वो इजीली। अब क्या था कि हैंडीक्राफ्ट तो इतना विदेशों में जा नहीं रहा था इंडिया का, और वहां से जो फिनिश गुड्स था वो ड्यूटी फ्री होकर के इंडिया में आ रहा था, जिससे वो मशीन मेड थिंग्स थी, तो इससे वो सस्ता था और लोगों ने उसे लेना शुरू किया, तो हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये इंडस्ट्री उस टाइम हैंडीक्राफ्ट की थी इंडिया में, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसी कंडीशन उन्होंने, इस तरह से उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। थर्ड है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लोइटेशन कैसे किया? अंतरराष्ट्रीय बाजार का, जैसे कि आप पहले अभी ये पढ़ चुके हैं, सेम वही चीजें हैं। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने रॉ मटेरियल, उस टाइम जो था रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन भेजा जाता था, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा जिससे कि वो इजीली ब्रिटेन जा सके रॉ मटेरियल से, और वहां की जो फैक्ट्री या कंपनी जो है या वहां की इंडस्ट्री चल जाए। और दूसरी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में अपनी डिमांड को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने, और अपने ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज में या ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जो बन रहा था, जो गुड्स बन रहे थे, उसे इंडिया में सेल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर दिया। वहां से जो भी आएगा उसमें कोई ड्यूटीज नहीं लगेंगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जिससे कि वो इजीली इंडिया में आकर के सेल हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद कर दिया। आप इसे थोड़ा सा, इसके नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे फिर। अब आगे है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स क्या थी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। फर्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी,
उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, जिसमें कोई हलचल ना हो। अब स्थिर का मतलब यहां क्या हो गया, लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, यानी कि इकोनॉमी स्थिर का मतलब है इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी कोई इनकम नहीं बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, वो स्टैग्नेंट थी, यानी कि स्थिर थी, वहां बहुत कम या नो ग्रोथ इन द इनकम, कोई इनकम नहीं हो, इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही थी, या बहुत कम नाम मात्र की होती जो दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरी बात, बैकवर्ड इकोनॉमी थी इंडिया की उस टाइम। इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड, पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। पर अब ये कैसे पता चलता है, पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, उस टाइम जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं, वो बहुत कम थी। इंडिया में जितनी जितना पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। तीसरी बात, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे था इंडिया, यानी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। वो कैसे थी, 72% पीपल, यानी 72% पीपल एंगेज थे इन एग्रीकल्चर, कृषि में लगे थे। भारत की जो जनसंख्या का 72% पार्ट किसमें लगा था, एग्रीकल्चर में लगा था, खेती के काम में लगा था, बट जीडीपी वर 50%। और उनसे जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी में मतलब कह सकते हैं आप कि नेशनल इनकम है इंडिया की, वो केवल 50% ही बढ़ती थी उससे, जबकि 72% लोग काम करते थे। दूसरी बात, इसके और क्या बैकवर्डनेस में, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्ट लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम था, प्रति हेक्टेयर जो भी प्रोडक्शन होता था, यानी पैदावार बहुत कम होती थी, लो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन भी कम था, यानी कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कम थी और टोटल प्रोडक्शन भी कम होता था। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यहां समझ लें, प्रोडक्टिविटी कहलाती है जब पर हेक्टेयर हम प्रोडक्शन को देखते हैं तो प्रोडक्टिविटी होगी, और टोटल प्रोडक्शन को देखते हैं प्रोडक्शन हो गया, तो दोनों चीज बहुत कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी, गरीबी के ओइंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैसिव इलिटरेसी, और किसी के पास बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों के पास ना दो वक्त का खाना था और ना घर था और ना कपड़ा मिल पाता था, इस तरह से गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई थी इंडिया में। और इसका रीजन था कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैसिव इलिटरेसी। मैसिव इलिटरेसी का मतलब है कि बड़ी संख्या में अशिक्षित लोगों का होना और रोजगार का ना होना, बेरोजगारी का फैलना, ये दोनों वजह से क्या था, बहुत ज्यादा गरीबी इंडिया में फैली हुई थी। और उस टाइम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में, जो था वो बहुत इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो इकोनॉमी को किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो उनके आधारभूत तत्व होते हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, अब ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, जिनसे जो एक मूलभूत तत्व होते हैं, यानी कि जिन ये जो बेसमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत क्या था, पुअर था। कैसे था, वेरी लो पावर जनरेशन, बहुत कम बिजली पैदा होती थी, लाइट नहीं मिलती थी, और फ्यू रेलवेज, कुछ रेलवेज इन्होंने बनाए थे अंग्रेजों ने, रेलवेज कोई ट्रेन का कोई रास्ता नहीं था, और रेलवे लाइन्स बहुत कम थी, एंड रोडवेज और पक्की रोड भी बहुत कम थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेज की बात ही मत करिए, वो तो बहुत ज़्यादा कम थे, हॉस्पिटल से बहुत कम थे। तो इस तरह से यहाँ का जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, उस टाइम इंडिया बहुत किस पर डिपेंड था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पर डिपेंड था, यानी कि
बाहर से मंगाने पर डिपेंड था। अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था कि जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं वो बाहर से आएंगे और इंडिया जो है केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा, तो ऐसी कंडीशन कर दी थी। तो इम्पोर्ट्स फॉर मशीन, तो किन चीजों पर निर्भर था, बहुत सारी चीजें जैसे मशीनरी है, डिफेंस इक्विपमेंट है, जो डिफेंस सुरक्षा के जो भी औजार हैं जैसे हथियार हैं जो भी हैं, डिफेंस ना इक्विपमेंट्स जो भी काम आते हैं, मेडिसिन हैं और केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है, बाइसाइकिल भी नहीं थी, वो भी सब सारी विदेशों से आती थी, बाहर से मंगाई जाती थी। और लास्ट पॉइंट है इसका कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी कि कुल मिला के ये कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर उपनिवेशी अर्थव्यवस्था थी। कॉलोनियल का मतलब उपनिवेश कहते हैं, जो जो कि बाहर से विदेश से आकर के हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में राज कर रहे हैं, वो कॉलोनियल हो गए। तो कॉलोनियल इकोनॉमी यानी कि ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था थी, पूरी उपनिवेशी अर्थव्यवस्था थी। कैसे थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज कर्व्ड बाय इंपोजिंग हैवी टैक्सेस। जो अंग्रेजों ने जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, जो हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था थी, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, उसे कर्व कर दिया था, यानी बैंड कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था, इंपोजिंग हैवी टैक्सेस, उन पर टैक्सेस लगा के जिन चीजों से उनको वो एक्सपोर्ट करते थे, जिनसे इनकम होती थी कंट्री की, उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा करके उन्हें उसे कर्व कर दिया, यानी बैंड कर दिया, बंद कर दिया। और इंडियन इकोनॉमी एज ए सोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल, अब उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को केवल रॉ मेटेरियल का सोर्स बना के रख दिया, जो कि उनकी फैक्ट्री जो ब्रिटेन में चल रही थी उनके लिए रॉ मेटेरियल जाता रहे, उसके लिए उन्होंने उसे ड्यूटी फ्री कर दिया एक्सपोर्ट्स को रॉ मेटेरियल के, और वहां से मशीन मेड थिंग्स का इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया। इस तरह से उन्होंने जो इकोनॉमी थी उसको कॉलोनियल इकोनॉमी में चेंज कर दिया, यानी कि अपने लिए उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बना दी, अपनी फायदे की इकोनॉमी में बदल दिया।